यार भूख बहुत लग रही है, किचन में भी आ गया हूँ यार, खाने को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, सारा देख लिया कुछ मिल भी नहीं रहा। क्या एक काम करता हूँ, मैं खुद से बनाता हूँ। लेकिन सप्लाईज किधर है? ओके, यहाँ पे अभी कुछ सप्लाईज नहीं था दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं था, अब आ गया। वाओ मैजिक, तो आ ही गया, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों अभी एक स्ट्रेंज आवाज आई थी, लगता है वो मैजिकल वॉन्ड थी, कोई कुछ मैजिक था वो, तो आ गया, तो शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल पीपल। आज आ गया है एक नया कुकिंग एपिसोड, जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अपना बर्गर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी सारी रेसिपीज बता देता हूँ। तो दोस्तों रेसिपीज हैं, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये, थोड़े से टमाटो के स्लाइसेस, थोड़ी सी रोटी टाइप ब्रेड, थोड़े से यहाँ पे मिक्स सलाद दोस्तों, यहाँ पे गाजरे हैं और सारे पत्ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है मेरे पास थोड़े से और टमाटो के स्लाइसेस, कुटी हुई काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटा हुआ ज़ीरा। और यहाँ पर दोस्तों आप पीछे जो देख रहे हैं वो हमारे पास है बोनलेस चिकन, थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी टमाटो केचप और थोड़ी सी मायोनेज। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ्लेम ऑन कर लिया और मैंने ऊपर अपना बर्तन भी रख दिया है। दोस्तों इसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच ऑयल भी डाल लिया। अब दोस्तों हमने इसमें अपना डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट दोस्तों, वो जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा दोस्तों फिर हमने अपना ऐड करना है चिकन जो हमने पहले आपको दिखाया था, वो भी जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा दोस्तों फिर हम डालेंगे अपने सारे मसाले। अभी सिर्फ हमने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट अभी डला है, ये देखें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पैन में जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था वो अच्छे तरीके से अब ब्राउन हो चुका है। अब जो दोस्तों ये जो आप चिकन देख रहे हैं ये हमने डाल देना है दोस्तों। दोस्तों इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज कंसीडर टू सब्सक्राइब, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, थैंक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है दोस्तों, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो गया। दोस्तों अपने ये जो मसाले आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इन्हें ऐड करने से पहले मैं आपको फटाफट से बता दूं कि हमने क्या क्या किया है। दोस्तों हमने अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, उसे हमने थोड़ा सा ब्राउन किया दोस्तों अपने पैन में, उसे हल्का सा फ्राई किया दोस्तों, फिर हमने ऐड कर दिया अपने बोनलेस चिकन दोस्तों, उसे भी हमने कर लिया। और अब बारी आ गई है अपने मसालों को ऐड करने की दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं दोस्तों। अब हमने इसमें ऐड करना है ये पानी। बाय द वे दोस्तों ये ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम बच्चों ने ये खाना, जिसकी वजह से हमें स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते, तो हमने स्पाइसेस नहीं ऐड किए दोस्तों। अगर आप लोगों को ये स्पाइसेस अच्छे लगते तो आप लोग फ्री होके डाल सकते हैं। और पानी ऐड करने के बाद दोस्तों हमने इसका ढक्कन बंद कर देना है। अब दोस्तों हमने इसका ढक्कन बंद कर देना है और 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन फाइनली बन चुका है दोस्तों। अब ये मैं यहाँ पर सूखा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगा दोस्तों, ये मैं ऐड करने लगा हूँ ताकि एक अच्छा सा टेस्टी सा इसका टेस्ट आ जाए दोस्तों। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब दोस्तों हमारा फाइनली जो चिकन है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अब हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे। दोस्तों अब मैंने जो आपको पहले ब्रेड दिखाई थी उसे मैंने कट हाफ में कर लिया। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैं थोड़ी सी बेस पे जो है मैं पहले थोड़ी सी टमाटो केचप लगा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ी सी अपनी मायोनेज ले लिया और दोस्तों अब इसे मैं ऊपर डाल के अच्छे से इसे ऊपर फैला देंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से इसे फैला दिया। अब दोस्तों हम इस पे ऐड करेंगे अपना चिकन। जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ऑलरेडी दोस्तों। तो सोचे जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो फिर ये कैसा लगेगा। दोस्तों अब हम ऐड करेंगे अपने टमाटो के स्लाइसेस दोस्तों, और फिर हम इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे अपने फ्रेंच फ्राइज। अब दोस्तों बारी है फ्रेंच फ्राइज की। और अब दोस्तों हम अपना ऐड करेंगे थोड़ा सा लेटस यानी कि सलाद। थोड़े से और। अब दोस्तों ये हो गया है ऑफिशियली रेडी। दोस्तों अब ये जो बर्गर रेडी हो गया, ये थोड़ा सा ठंडा है जिसकी वजह से मैं अपने ओवन में इसे थोड़ा सा चिकन बर्गर जो है हमारा, इसे थोड़ा सा हम गर्म करेंगे ओवन में अपने, और फिर ये एब्सोल्युटली रेडी है खाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आ गई है इसकी फाइनल लुक, और साथ ही में दोस्तों आ गया है मेरा भाई जिसके लिए स्पेशली ये बर्गर रेडी हुआ था, और ये अब टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है। जब मैंने अपने को रिकमेंड आप भी घर पर बना के खाएगा, यह बर्गर बहुत मिलेगा। जी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा भाई भी गवाह है कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का है दोस्तों। ये देखे दोस्तों पास से एक बार ये और इसकी फाइनल लुक देख ले। ये देखे दोस्तों, गाइज़ अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अब हम लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों हमारे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।